आखिर सुदामा भगवान कृष्ण के परम भक्त होने के बाद भी उन्हें गरीबी क्यों मिली? सुदामा भगवान कृष्ण के परम मित्र थे और एक धनवान राजा का मित्र गरीब कैसे हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण था? क्या इसके पीछे के कारण को आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल बनाए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक धनवान राजा का मित्र गरीब क्यों बना। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो आध्यात्मिक तौर पर सुदामा बहुत धनवान थे। जितना आध्यात्मिक धन उनके पास था शायद किसी के पास नहीं हो, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से सुदामा अत्यंत गरीब थे। इसके पीछे का कारण, एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन और लाचार थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिल पाई। प्रतिदिन वह भगवान का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते उसे बहुत रात हो गई थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि चने में रात में नहीं खाऊंगी और प्रातः वासुदेव को भोग लगाकर ही मैं चने को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांधकर कपड़े की पोटली बनाकर उसे रख देती है और वासुदेव का नाम लेते लेते सो जाती है। यह सब समय का खेल था। यह तो आपने भी सुना होगा कि पुरुष बलि नहीं होता है बल्कि समय बलि होता है। ब्राह्मणी जैसे ही सोई, कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया पर आए। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें एक पोटली के अलावा कुछ नहीं मिला। वह वही पोटली थी जिसमें उस गरीब ब्राह्मणी ने उन चनों को रखा था जो उसे भिक्षा में मिली थी। घर में चोरों की आवाज सुनकर वह ब्राह्मणी जाग गई और उसने शोर मचा दिया। इतने में चोर भागे और गांव वाले भी उनके पीछे दौड़े। चोर भागते भागते गांव वालों से बचने के डर से वह ऋषि संदीपन के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इतने में ही गुरु माता को जैसे ही आहट सुनाई दी और गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। तो चोर डरकर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन भागते समय वह चने की पोटली उसी आश्रम में गिर गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब चने को अपनी कुटिया में नहीं देखा, क्योंकि चोर उसे चोरी कर ले गए थे, तो ब्राह्मणी ने अपनी लाचारी वश यह श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन और असहाय के जो भी चने खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता जैसे ही आश्रम में झाड़ू लगा रही थी तो उन्हें झाड़ू लगाते समय वह चने की पोटली मिली। उन्होंने वह पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। रोज की तरह भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दी और कहा, बेटा इसे तुम आपस में बांटकर खा लेना। लेकिन सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली उनके हाथ में आई उन्हें सब रहस्य मालूम चल गया और सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है इन चनों को तुम दोनों बराबर बांट कर खा लेना, लेकिन यह चने अगर मैं त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला देता हूं तो सारी सृष्टि में दरिद्रता छा जाएगी। और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे पूरी सृष्टि पर दरिद्रता का संकट मंडराए। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। यह चने मैं स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं दूंगा। और सुदामा ने सारे चने खा लिए और दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं के ऊपर ले लिया। तो यही कारण था कि त्रिभुवन पति भगवान श्री कृष्ण के मित्र को अपने आधे से ज्यादा जीवन दरिद्रता के साथ काटना पड़ा। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो सुदामा के दरिद्रता के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए,
जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।